नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, अब यहां पर एक फ़ोन कॉल से जो है घर पर मिलेगा खाना और कई अन्य सेवाएं जारी। तो कहां की ये न्यूज़ है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बन रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आपके सामने जो बताया गया है यहाँ पर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना लॉकडाउन, एक फ़ोन कॉल से घर पर मिल सकेगा खाना, खाने का सामान, हेल्पलाइन जो है नंबर जारी करने की तैयारी। तो कहाँ की ये न्यूज़ है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कोरोना वायरस लॉकडाउन की अवधि के दौरान लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए योजना बनाई जा रही है। तो देख सकते हैं आप, नई दिल्ली में जो है ये योजना जो है जारी की है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान जो है ज़रूरी और खाने के सामान की सप्लाई बनी रहे, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के अंदर शासित प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को एक पत्र लिखा है। सामान की सप्लाई बनी रही, इसके लिए तुरंत ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही गई है। इससे किसी भी शख्स को कोई परेशानी हो तो वह घर बैठे फ़ोन कर सके। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी एक हेल्प नंबर जारी किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र की माने तो सभी राज्यों से कहा गया है कि वह जल्द से जल्द एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि ज़रूरतमंद फ़ोन पर इसकी जानकारी दे सके। तो लॉकडाउन की पूरी तरह से पालन किया जाए और लोग अपने घरों में बने रहे, इसके लिए उनकी परेशानियों को तुरंत दूर किया जाए। बाज़ार और दुकानों पर भीड़ न लगे, इसके लिए घर के दरवाजे तक सामान पहुंचाने की सुविधा दी जाए। जनता से भी अपील की गई है कि वह बाहर निकलने की बजाय हेल्पलाइन नंबर की मदद ले। दूसरी ओर बॉर्डर के इलाकों में उन लोगों को मूवमेंट बना रहे जो महत्वपूर्ण सेवाओं की कैटेगरी में शामिल हैं, उनके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। ज़रूरी सामान की सप्लाई करने वाले लोगों की सुरक्षा हो और वह सही दामों पर लोगों को सामान मुहैया करवा सके, इसका भी स्थानीय प्रशासन हर हाल में इंतजाम कराए। तो इस प्रकार देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन इन सवालों के देगी जवाब। तो दिल्ली में जो है हेल्पलाइन नंबर जो है जारी हो चुका है और सभी राज्यों में जो है ये हेल्पलाइन नंबर जो है जारी करने की जो है वो घोषणा की गई है, जल्द ही ये जारी किया जाएगा, जिससे जो है हर ज़रूरतमंद सामान जो है वो घर तक जो है पहुँचाया जाएगा, घर पर ही मिल जाएगा एक फ़ोन और एक कॉल से। तो ये थी दोस्तों नोटिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।